अब रूस यूक्रेन युद्ध एक नया मोड़ ले रहा है। अभी तक रूस यूक्रेन पर हमला करता हुआ आ रहा था और यूक्रेन को तबाह करने में रूस ने कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया, लेकिन अब यूक्रेन ने रूस को खत्म करने का दावा किया है और कहा है कि जंग तो हम ही जीतेंगे। अब सवाल उठता है कि जेलेंस्की रूस के खिलाफ इतनी बहादुरी कैसे दिखा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के जबरदस्त हमले किसी से छिपे नहीं हैं। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यूक्रेन रूस के खिलाफ इतनी बहादुरी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति जेलेंस्की बुधवार को पहली बार यूरोप पहुंचे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। सुनक ने एयरपोर्ट पर गले लगाकर जेलेंस्की का स्वागत किया। मुलाकात के दौरान जेलेंस्की ने ऋषि सुनक से गोला बारूद और लंबी दूरी वाली मिसाइलों की मांग की, जिस पर ऋषि सुनक ने कहा कि यूक्रेन को लड़ाकू विमान, गोला बारूद और लंबी दूरी वाली मिसाइलों की आपूर्ति करेंगे। सुनक ने आगे कहा कि हमें भी यूक्रेन को हथियार देना चाहिए और आगे चलकर उसका सहारा बनना चाहिए। ऋषि सुनक से मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूके के विमान से फ्रांस पहुंचे और वहां उन्होंने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ओलफ शोल्स से मुलाकात की। जेलेंस्की ने रूस को कड़ी चुनौती देने के लिए फ्रांस और जर्मनी से जल्द फाइटर जेट्स और बड़े हथियार भेजने की मांग की है। इसके बाद राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस यूक्रेन को अधिकार और जीत दिलाने के लिए हम यूक्रेन के साथ है, हम यूक्रेन को मदद पहुंचाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन में पूरे यूरोप का भविष्य दांव पर लगा है। वहीं जर्मन चांसलर शोल्स ने यूक्रेन को यूरोपीय परिवार का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि जर्मनी ने अब तक यूक्रेन को आर्थिक मदद के साथ ही हथियार और मानवीय सहायता पहुंचाई है और जब तक जरूरत पड़ेगी हम यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अगर हमें रूस से लड़ने के लिए पूरे हथियार मिल जाएं, तो हम जल्द से जल्द इस जंग में विजय प्राप्त कर लेंगे। अब देखना होगा कि इन देशों की मदद मिलने के बाद यूक्रेन रूस पर कितना भारी पड़ता है।